मैं हूं आपके साथ अमनदीप। बुलेटिन में सबसे पहले आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अक्षय जोगी के, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अजीत जोगी का जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है उसमें बताया गया है कि पूर्व सीएम कोमा में है और उन्हें वेंटिलेटर के माध्यम से सांस ली जा रही है। अजीत जोगी के इलाज में 8 डॉक्टरों की टीम लगी हुई है। बता दें कि सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें रायपुर के श्री नारायण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। शनिवार शाम को जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया था कि आने वाले 48 से 72 घंटे उनके लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं। हेल्थ टीम उन पर नजर रख रही है और इमली खाते हुए बीच उनकी सांस नली में फंस गया था, जिसकी वजह से घर पर ही पहले उन्हें रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ और फिर कार्डियक अरेस्ट हो गया। अस्पताल के डॉक्टरों ने ऑपरेट कर 20 सांस नली से निकाल दिया है, लेकिन उनकी हालत अभी भी ठीक नहीं है। ऐसे में डॉक्टर्स उन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। और हमारे साथ में संवाददाता हेमंत जुड़ गए हैं, जो कि हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद है। हेमंत, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि अभी कैसी स्थिति है। देखिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजीत जोगी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। नया मेडिकल उनके स्वास्थ्य को लेकर जारी हुआ है और मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि अजीत जोगी के दिमाग पर असर हुआ है और इसकी वजह से वो कोमा में चले गए हैं। अभी भी उनकी जो हालत है वो गंभीर बनी हुई है। हालांकि कल से देखा जाए तो दवाइयों का कुछ असर उन पर हुआ है और थोड़ी बहुत स्थिति सुधरी है, लेकिन सीधे तौर पर कल दिमाग पर सूजन आया था और उसी की वजह से आज लगातार अब जो नया मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है उसके मुताबिक अजीत जोगी कोमा में चले गए हैं। मलसात श्री नारायणा हॉस्पिटल के डॉक्टर और डायरेक्टर सुनील खेमका सर हैं, उनसे जानते हैं। सर, कैसी स्थिति है? कल से कल भर्ती उनको कराया गया था 12 बजे के आसपास और लगभग 24 घंटे अब हो रहे हैं, इस दौरान क्या स्थिति उनके देखने को मिली है? अभी जो उनकी कार्डियक एक्टिविटी है और बीपी है वो तो बहुत अच्छा मेंटेन हो रहा है। कल बीपी मेंटेन करने के लिए बहुत हाई डोज मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही थी, जो कि अब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है। यूरिन आउटपुट भी एकदम नॉर्मल है। जो चिंताजनक बात है वो ये है कि कोमा को लेकर है कि अभी वो कोमा में ही है। हम लोग की तरफ से भी माइनर सेडेशन दिया गया है, जो कि कल हम लोग 1 बजे धीरे धीरे सेडेशन कम करके उनको विड्रॉल करने की कोशिश करेंगे। अभी उनको हाइपोथर्मिया मेंटेन किया जा रहा है, जिसमें बॉडी टेम्परेचर को कम रखा जाता है, 34-35 डिग्री 28 डिग्री तक मेंटेन कर सकते हैं, जिससे कि ब्रेन की डिमांड कम रहे और उनको कोशिश किया जा रहा है कि उनकी अलर्टनेस वापस आए मेंटली एंड फिजिकली। कोमा में जाने का कारण क्या नजर आया है अभी तक? पूरे इलाज के दौरान क्या ऐसा पाया गया जो वो कोमा में चले गए? कोमा में तो वो कल जब आए थे तभी थे वो, क्योंकि उनको रेस्पिरेटरी और कार्डियक अरेस्ट हो गया था, तो उसके कारण वो उतनी देर दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिली, इसके कारण वो कोमा में कल जब आए थे तभी से। अभी क्या कुछ कहा जा सकता है? कितने डॉक्टरों की टीम अभी उनका इलाज कर रही है और क्या अभी उनका कुछ और टेस्ट कराना बाकी है? सब टेस्ट उनके हो रहे हैं, जो लगातार बार बार करते हैं, ABG वगैरह और सब चीज़ें देखने का। 8-9 डॉक्टरों की टीम सिर्फ उन्हीं को मॉनिटर कर रही है और एक पूरा बड़ा हिस्सा जो है ICU का उनके लिए रिजर्व करके रखा गया है। वेंटिलेटर के माध्यम से भी सांस दी जा रही है मेडिकल बुलेटिन में? जी हाँ, कल से वेंटिलेटर पे ही है। तो देखिए, लगातार अजीत जोगी के स्वास्थ्य को लेकर जो यहाँ के डॉक्टरों की टीम है वो नजर बनाई हुई है और उनका इलाज जारी है। अभी वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो अजीत जोगी की हालत अभी गंभीर है, वो कोमा में है और बाकी देखा जाए तो दवाइयों का कुछ असर हुआ था जो उनको गंभीर हालत पे लाया गया था। उनकी सांस में भी प्रॉब्लम थी, वो अभी स्थिर है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर सुनील खेमका ने बताया कि दिमाग पर जो असर हुआ है इसकी वजह से वो कोमा में है और इसीलिए उनकी जो स्थिति है वो अभी भी गंभीर बनी हुई है। जी हेमंत, इससे पहले भूपेश बघेल भी उनका स्वास्थ्य का हालचाल लेने के लिए पहुंचे थे, उसके बाद में डॉक्टर्स का ये भी कहना था कि और भी कई सारे मंत्री और भूपेश बघेल के जो पिताजी हैं वो भी लगातार जो नजर बनाए हुए हैं, सबका यही कहना है कि कितनी जल्दी उनको हो जाए। तो अभी हाल में भी कोई ऐसा नेता है जो उनका हालचाल जानने वहां पहुंचा हो?
और देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अजीत जोगी कल 12 बजे के लगभग उनको श्री नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनको कार्डियक अरेस्ट आया था और सुबह तक वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब वो गंगा इमली खा रहे थे उसी दौरान एक गंगा इमली का बीज उनके गले में जाकर फंस गया और उसके कुछ देर बाद वो बेहोश हो गए और बेहोश होने के बाद उनको कार्डियक अरेस्ट आया था। हालांकि जो डॉक्टर हैं वो उनके घर पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही उनकी स्थिति बिगड़ती देखी गई उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जैसे ही उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके बेटे और पूर्व विधायक अमित जोगी से फोन कर उनका हालचाल जाना था और भरोसा दिलाया था कि उनके स्वास्थ्य को लेकर सरकार भी गंभीर है और हर मदद सरकार के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता हैं नंद कुमार बघेल, पूर्व मंत्री बिजमोहन अग्रवाल, जेसीसी के जो विधायक है धर्मजीत सिंह, वो कल अजीत जोगी को देखने पहुंचे थे। उन्होंने रेणु जोगी और अमित जोगी जो उनके बेटे हैं और पत्नी हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। इसके अलावा देर शाम जो छत्तीसगढ़ सरकार के दो दिग्गज मंत्री हैं आबकारी मंत्री कवासी लखमा और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, वो भी यहाँ पर अस्पताल अजीत जोगी को देखने कल पहुंचे हुए थे। हालांकि आज कोई नहीं पहुंचा है, लेकिन जैसे समय होता जाएगा कई उनके जो शुभचिंतक और चाहने वाले हैं वो यहाँ पर अस्पताल पहुंचेंगे और अजीत जोगी का, क्योंकि सभी को अजीत जोगी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता है, हर कोई जानना चाहता है कि उनकी स्थिति कैसी है। इसलिए लगातार अस्पताल द्वारा मेडिकल बुलेटिन समय समय पर जारी किया जा रहा है और जो 11 बजे मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया उसके मुताबिक वेंटिलेटर के माध्यम से अजीत जोगी को सांस दी जा रही है और वो कोमा में चले गए हैं और इसीलिए उनकी स्थिति अभी भी बिल्कुल हेमंत, इससे पहले भी हमने देखा कि अजीत जोगी की कई बार तबीयत बिगड़ी थी और जिस तरह से सुधार हुआ, वाकई में डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि पहले भी वो कभी हिम्मत नहीं हारे हैं और अभी एक बार फिर से वो पूरी तरह से ठीक होंगे। चलिए तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और करते एक बड़ी खबर का जो जबलपुर से मिल